तो व्हाट्सअप गाइज, आप सभी का एक बार फिर से पार्ट न्यू एपिसोड में स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में एनिमेशन या ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करते हैं। लेट स्टार्ट गाइज। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को तुरंत आप लोग जरूर लाइक करें। के बारे में सवाल हैं, क्यूरी हैं, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, हमारे पीसी, तो मैं यहाँ पे पीसी स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आपको यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। राइट, पावर पॉइंट को जैसे आप लोग ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का रिसेंटली प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आपको आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ये ऑप्शन आपको ऊपर में शो होता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है रिस्टोर और यहाँ पे मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज और यहाँ पे मिनिमाइज हो चुका है। लेकिन इसको आप लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहीं से हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं इसको। ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। राइट, यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग को यहाँ पे ब्लैंक वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको इंटरफेस जो होता है वो शो हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल का कुछ टूल के बारे में बताए थे। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आई बटन में या आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, तो आप लोग जाकर चेकआउट करके सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाए हैं और उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करेंगे और एनिमेटेड करना सीखेंगे। तो फाइल वाले सेक्शन पर हम लोग जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कि जीके का है और मैं यहाँ पे एंटर बटन को क्लिक कर देता हूँ और हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ चुका है। देखिए, यहाँ पे मेरा सिर्फ वन ही स्लाइड बना हुआ है लेकिन इसमें हम लोग अलग अलग कलर भी कलेक्शन करना सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट को बड़ा भी करना सीखेंगे, उसके बाद ट्रांजिशन, एनिमेशन जो भी है वो सारा कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ा से 10 मिनट के अंदर का हो सकता है। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहले हम लोग कलर के बारे में, इसको एकदम सजावटी के बारे में हम लोग पहले सीखते हैं कि कलर कैसे इसमें दें। तो कलर देने के लिए आपको इस टेस्ट को इस तरह से, जो कि देख रहे हैं कि एंकर पॉइंट में यहाँ पे बना हुआ है, इसको इस तरह से बॉक्स में सिलेक्शन होनी चाहिए और आप लोग जो भी पार्ट को चाहते हो कि कलर करना, तो उस पार्ट को बस, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके बटन को दबा के रखिए और यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखता है जिसको कलर बोलते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन ये शो होता है। जैसे कि माउस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये कलर का है, यहाँ से भी एक कलर को चेंज कर सकते हैं। इस पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग रेड करके आपको दिखाते हैं ये रेड। राइट, यहाँ पे रेड हो चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं हाई को हम लोग चेंज करना चाहेंगे, तो हम लोग इस पर ले आकर इस तरह से सिलेक्शन करेंगे और यहीं से एक कलर ए का मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रीन करके आपको दिखाते हैं। राइट, यहाँ पे ये उसी तरह से हम लोग पहले सिलेक्शन कर लेते हैं। इसको का को भी हम लोग इस तरह सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे कलर रेड दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन देंगे। एक एक पार्ट को आप लोग चाहो तो कलर एकदम देखिए एकदम बेहतरीन बना सकते हैं, एकदम एडवांस लेवल का बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितना खूबसूरत लगना शुरू हो गया है। अगर इसका आप लोग साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इसको एक बार सिलेक्शन करिए। आपको यहाँ पे एक मंगल के जस्ट बगल में आपको एक फॉन्ट साइज मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह का टेस्ट। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप लोग बड़ा करना है तो एक पार जो एंकर पॉइंट है इसको आप लोग थोड़ा से आगे करिएगा, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको एक सर्कल में इस तरह का बना होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करके आपको जहाँ पर भी ड्राई करना है, जहाँ पर मीड रखना है वो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारे एलाइन मिल जाते हैं। इसको एलाइन बोलते हैं, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। राइट, एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, वन, चलिए अब यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट तो यहाँ पे एक बन चुका है। लेकिन हम लोग पहले इस नीचे वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब वन क्लिक के अंदर इसको सिलेक्शन करूँ और बड़ा करूँ छोटा करूँ, तो उसके लिए बस आप लोगों को सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अल्ट बटन दबा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे अल्ट बटन दबा कर और पूरे को सिलेक्शन कर दीजिए इस तरह से। अगर नहीं होता है तो फिर से एक बार करिए, फिर से यहाँ पे करना है। तो गाइस यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं और सिलेक्शन करिए इसको एक बार।
तीसरे टेस्ट को हम लोग थोड़ा से नीचे करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नीचे इसको करते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है, और इसको हम लोग डिलीट ऑल करते हैं, डिलीट यहाँ पे कट कर देते हैं इसको। अब उसके बाद इसको हम लोग सिलेक्शन करेंगे इस तरह से माउस को दबाकर, और आपको प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको आप लोग को बड़ा या छोटा करना है। उसके लिए बस आप लोगों को जैसे मैं बताया कि एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है मंगल के बगल में, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। जिसके यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बड़ा छोटा हो रहा है, थोड़ा सा मैं अनज़ूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं बड़ा छोटा हो रहा है। तो आप लोग इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं, राइट। मैं करता हूँ डन, और यहाँ पर 32 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इस वाले टेस्ट को हम लोग ऊपर ले आकर ऐड कर देंगे। ये डिस्टर्ब कर रहा था वर्कर में, तो हम इसको थोड़ा सा लाइन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक बार सिलेक्शन करेंगे, और आपको थोड़ा सा टेस्ट को नीचे लाना है तो बस इसको और नीचे रख दीजिए। अब उसके बाद हम लोग कलर कर देते हैं इसको, तो फिर एक बार सिलेक्शन करेंगे इस तरह से, और कलर वाले सेक्शन पर आकर कलर दे देंगे, राइट। यहाँ पे दे देते हैं ये कलर, उसी तरह से फिर इसको भी सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे कलर दे देना है ग्रीन। अब यहाँ पे एनिमेशन कैसे देना वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फिर इसको भी हम लोग को सिलेक्शन करना है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरा कंप्लीट बन चुका है। अब एनिमेशन देने के लिए गाइज कुछ करना नहीं है, बस इसको एक बार सिलेक्शन कर लीजिए इस तरह से, अभी सिलेक्ट हो चुका है, राइट। अब एनिमेशन देने के लिए ऊपर में एक कुछ प्रॉपर्टी बार आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, ठीक है। एनिमेशन वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है। एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। अपीयर है, फेड है, यहाँ पे फ्लाई इन है, और फ्लोट इन, स्लाइड, यहाँ पे वाइप, शेप, वेल। तो यहाँ पे एक बार चलो ट्राई करके आपको दिखाते हैं, जैसे कि इस तरह का कुछ आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, राइट। यहाँ फ्लाई इन का मतलब है कि ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ पे ये इस तरह का। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ये वाला भी कुछ बेहतरीन लग रहा है, और ये सेपरेट ये भी, राइट। तो अब इसमें हम लोग ये लगा देंगे शेप वाले, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, और फिर एनिमेशन ये फ्लाई इन लगाएंगे ये वाले टेस्ट में, ठीक है। इसको एक बार सिलेक्शन करिएगा, उसके बाद फिर इस पर क्लिक करके, और फिर इस पर आप लोग अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये लगा दिए। अब यहाँ पे मेरा देख रहे हैं कि काउंट भी हो चुका है कि 1, 2, 3, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5। अब स्टेप बाय स्टेप ये आएगा कि कैसे आएगा, उसके लिए रेंडरिंग करना होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे रेंडर करने के लिए ऊपर में देखेंगे एक यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग का ऑप्शन मिलता है, F5 भी दबाएंगे तो एक काम करेगा। F5 जैसे मैं प्रेस करता हूँ, ये देख सकते हैं कि रेंडरिंग हो गया। अब जैसे आप लोग अपना स्पेस बटन दबाएंगे, तो आपको यहाँ पे सवाल नंबर 1, बिहार का राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में आता है कि दिल्ली, नंबर 2 में आता है पटना, और नंबर 3 में आता है मुंबई, और नंबर 4 में आता है आगरा। अब इनमें से जो भी सही रहेगा आप लोगों को नीचे वो ऑप्शन को ऐड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग अब कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एक बार सिलेक्शन करेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसको हम लोग कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे लिया कर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। इसको हम लोग लिया कर यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे पटना है तो पटना लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे या तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो इसको आपको सिलेक्शन करना होगा पहले, डिलीट यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग पटना को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे इसको पटना, और यहाँ पे जाकर ऐड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे, प्रेस करके रखिए, और कलर यहाँ पे रेड दे देते हैं रेड, और टेस्ट को भी बड़ा कर देते हैं यहाँ पे पटना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन इसको भी देना है, तो आप लोग एनिमेशन में क्लिक करिएगा और फ्लाई इन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन 6वां में हो गया है। चलिए इसको एक बार रेंडरिंग करते हैं, हम लोग क्लिक करेंगे, तो नंबर 1 है पटना, नंबर 2 पटना हो गया, मुंबई, आगरा, और